इवेंट जो है वो प्लान कैसे करना है, हम डिजाइन करेंगे आपका नया, हम स्टूल्स रख सकते हैं, हम मेकअप करने के लिए सारे ब्रांड आ जाएं। खुली खुली अगड़ी चलवा देंगे। यार अरे खुशी यार आगे में खा गया था नेल पॉलिश यार छुपा दे सरप्राइज देंगे। ओ माय गॉड मजा आने वाला है। और मैं आज बहुत ही हसीन जमील शकील मुनीर बनके खड़ी हुई हूं भाई। आज मैंने इतनी देर बाद ये वाला कलर पहना है और मैं आपको पहले अपनी फुल लुक दिखा रहा हूं। दो जी ये है मेरी प्यारी सी फुल लुक जो मुझे प्यारी लग रही है, आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है जी, तो अब जो है वो बात कुछ ये है कि हम लोगों ने सारी चीजें तो फाइनल कर ली थी, लेकिन हमने इवेंट जो है वो प्लान कैसे करना है, डिकोर किस तरह से करना है, उसके फ्लोरल पैटर्न किस तरह से होने चाहिए, या हमारा जो ड्रीमी निकाह है उसकी वाइब किस तरह से होनी चाहिए। तो उसके लिए आज मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। जो मीटिंग करनी है, जो प्लानर्स हैं वो हमारे घर पे खुद आएंगे, प्लानर आएंगे साथ में, जो है वो जिन लोगों ने काम करना है वो लोग साथ में आएंगे। तो खैर वो सूट आपको दिखाएंगे, अभी हमसे बनी का वेट करें, जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं हम जो है वो मिलते हैं, बातचीत करेंगे। और आप लोगों के माइंड में भी कोई आइडियाज हैं तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरह का इवेंट हो, एंट्रेंस इस तरह की हो, कैसी कैसी चीजें। वैसे मैंने अपने तौर पे काफी एस्थेटिक चीजें सोच के दिमाग में रखी हुई है, तो बस आज हमने ये चीज फाइनल कर लेनी है कि हमारे इवेंट पे किस तरह का डेकोर होगा और प्लान कैसे होगा। तो लेट्स गो। तो गाइस हमारी इवेंट प्लानर आ चुकी है और अभी हम लोगों को हमने बिठाया बाहर, तो अभी जाके थोड़ी सूरत हाल देखते हैं, सलाम लगा लेते हैं। तो कैमरा ऑन नहीं होगा लेकिन जब डिजाइन फाइनल कर रहे होंगे या चीजें देख रही होंगी तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। तो अभी खैर लेट्स गो। सो गाइज हमारी इवेंट प्लानर आ चुकी थी, उन्होंने काफी इवेंट्स दिखाए हैं अभी, ये मुझे कुछ इस तरह के थीम्स आ गया कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं। आफ्री इन्होंने इवेंट्स कराए हैं, आपको क्या बेहतर लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये इतना प्यारा लग रहा है। दिस कैन बी फॉर एंगेजमेंट निकाह, चाहिए थोड़ा सा देसी वाइब भी आ रही हो, थोड़ी सी इंग्लिश वाइब भी आ रही हो, थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग भी हो। अच्छा इस तरह से ये सारा आपका, ये अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक व्हाइट फ्लावर्स विद ग्रीन विल बी ओके फॉर निकाह सेरेमनी। ये सारा इनका काम है और इनमें से मुझे चूज करना है कि मुझको करना क्या है। हम डिजाइन करेंगे आपका नया। ओ यस, तो यही तो काम होता है इवेंट प्लानर्स का, उन्होंने अच्छा सा डिजाइन करना होता है। बस मैं अच्छी लगूं, मुझे मेरा इवेंट अच्छा लगे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये बहुत प्यारा कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है, दिल कर रहा है कि बस मैं ना बस हो जाए, इवेंट हो जाए। और आप क्योंकि अभी लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ और हम लोग लाहौर में इवेंट कर नहीं रहे हैं, तो हमें इस बात की बड़ी टेंशन हो रही है। अच्छा यहाँ पर फिलहाल हमारे इवेंट की होने लगी है ड्रॉइंग। सपोज वी आर हैविंग आवर बैकड्रॉप समवेयर ओवर हियर, नियर टू द बैकड्रॉप विल हैव अ निकाह सेपरेटर लाइक दिस, सो रफ ड्रॉइंग प्लीज डोंट जज। ये यहाँ रफ बन रहा है, ये इवेंट पर रफ नहीं बनेगा। हाँ ऑफ कोर्स इवेंट पर रफ नहीं है। रोजेस यूज करेंगे हम, समवेयर चिप्स यूज करेंगे, दैट इज बेबी ब्रेथ। ओके, और बेबी ब्रेथ मुझे मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे वो लगता है एवरीवन्स फेवरेट। एक मुझे कलियां बहुत पसंद है, खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा यहाँ पर स्टूल्स भी तो होंगे ना उस तरह के? हम स्टूल्स रख सकते हैं, हम कुशन्स के लिए एक कर सकते हैं, थोड़े से डेकोर एलिमेंट्स इधर ऐड करेंगे, थोड़ा सा फिलअप करने के लिए, थोड़ा उसको ड्रीमी सी लुक देने के लिए आपके निकाह को। आपकी एंट्रेंस होगी, एंट्रेंस पे जो डेकोर होगा वो हम उसी कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे होंगे जो आपने अभी सिलेक्ट किया है। मुझे इवेंट इतना परफेक्ट चाहिए, इतना परफेक्ट कि मैं बस आऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच यार, मुझे सब चीजें समझ में आ गई हैं एंड बाकी कुछ चीजें मेरे माइंड में आती हैं आपके माइंड में आती हैं मुझे भेज देना और हम वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एंट्रेंस पे क्या लगना है, स्प्रेस होंगे कहीं पे, गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, व्हाइट होता है कुछ भी, तो वो डिस्कस। चलें गाइस यहां पे हमारी इवेंट प्लानर को हम छुट्टी चाहिए क्योंकि हमने बड़ा काम करा लिया उनसे, अभी उनको सी ऑफ करते हैं। अब जो है वो हम अपने प्लानर को छोड़ने के लिए जा रहे हैं नीचे, और जाके नीचे की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जो मेरी पहने हैं वो बटवा ला मेरे साथ ऊपर आई हूँ, मुझे बताया हो नहीं, मदद तो करनी है मेरी बहन, बैठी हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ करना। तो गाइस मैं अब नीचे आई हूँ तो ये बहने गुच्छा बना के, अभी एक मसला हो गया क्या, ड्रेस फाइनली हो रहा है, ड्रेस फाइनली हो रहा है। और दूसरी बात, मुझे मेकअप करने के लिए सारे ब्रांड आ जाए, बड़े से बड़ा। ओके किसने ड्रेस लेने के लिए आ जाए, सबसे बड़ा ब्रांड जितने आगे भागेंगे तो वो करे मेरा मेकअप। यार इसको मिली चलो मेकअप, सबसे बड़ा ब्रांड और लेंस वाले भी सारे मेरे मस्कर, आई नीड लेंस आल्सो, वरना ये लाल लगा के आ जाएगी और मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी साथ में, बिल्कुल भी नहीं। जूलरी वाले ब्रांड में हेयर स्टाइल करो, या अल्लाह टेंशन लेनी सारी आजा पकड़ा बाल। ज्वेलरी होगी तुम्हारी? ज्वेलरी भी मेरी भी नहीं हुई है, ज्वेलरी के लिए हम लोगों ने आने वाले दिनों में जाना है। अभी सिर्फ मैंने इवेंट प्लानर को बुलाया था और मैं अकेली उसे मीटिंग करके इवेंट प्लान कर रही हूं। कपड़े हम लोगों को कपड़े पहनने पड़े और मेकअप हम देखते रहे मुंह के, तो मेरा तेल लगा के ना तभी तुम प्यारी लगोगी, वैसे भी तुम प्यारी स्पॉट बनती है। मैंने तो यही बनानी है छुट्टियां ना करूं, तेरे बाल अब इतने अच्छे हो गए, पहले जो लगता ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगता था, अब अच्छे हो गए। दिखाओ जरा, मैंने तो वो कही है, मैंने तो प्रॉपर पटोला बंद करो, ठीक है, एक्स्ट्रा मस्का लगा रही है, ठीक है, देखा मस्का। बस मेरी बहनों को जिंदगी में सिर्फ एक काम है, बहन की मदद नहीं करना, लड़ाई डाल के काम करना। मैंने सिखाई है, मेरे में घुराया है मेरी बहन फातिमा का सर, क्या वो बहुत अच्छी है उसकी, अगला स्टेप है, लेटेस्ट वर्जन है उसका, बेटा उसे छोटी है तो उसे लेटेस्ट वर्जन है। हाँ ये वाला देखना सेटअप इस तरह का लगा। हाँ ये मैं कह के कुछ ऐसा ओ यार ये अच्छा करें,
चाहिए ऑब्वियसली आउटडोर यार। लाइट अच्छा नहीं चाहिए ना, मैंने नहीं लगाना नहीं पा। मत आओ तुम पांडा कैसा कर रहा है ना। और कलर क्या सारी चीजें समझा दी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह, और उसने मुझे बोला कि आप जैसी चीजें चाह रही हैं आपको वैसी चीजें मिल जाएंगी। कुछ ऐसा भी है लेकिन ये थोड़ा वो, ये इंडोर वाला आती है। सारी ना फ्रेश वो लगी हुई है कलियां यार, ये वैसे अच्छा लगेगा। बस मेरी बहन है अब बस पिक्चर, ये मेरी बहनों ने पिक्चर लेनी है इस तरह की, समझ आई। मामा को सबसे पीछे करा दे। हां दिखाओ यार मुझे, मुझे चुन के रिक्रिएट कर। एक मिनट ये सारी चीजें ना सेव कर लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ इस तरह की पिक्चर आनी चाहिए। लेकिन तुमने अगर दुल्हन जैसे बना कानों से पकड़ के तो मैं बाहर फेंक के आऊंगी। बेटा हमारी बहन की शादी है, हम तो ओवर होंगे। पहली पहली बहन की शादी है, मैं तो ओवर होंगी। तुम्हारी शादी में तुमसे ज्यादा मैं ना तैयार हूँ। तो गाइस अब जो है वो हम लोगों ने बाकी सारी प्लानिंग तो चलती रहनी है। और आप लोगों को पता है कि लड़की भी जा रहे हैं जी श्रीलंका अगेन मैच के लिए। एक तो लड़कियां के दिमाग में मैच नहीं लगता कितने पास है, तो उनको हम लोगों ने एयरपोर्ट तक उन्होंने जाना। सो अभी मैंने रीतू बुलाया तो हम लोग बस निकल रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जाएंगे। कुछ तैयारियां कुछ चीजें वहां डिस्कस करते हैं, वो भी मैं निकलने लगी हूँ। चले मेरे साथ। क्या पैसे बदलते आपकी शादी होने वाली है, आपके निकाह होने वाला। तो गाइस अरीब साहब आ चुके हैं, हम लोग बैठे हैं और हम निकलने लगे। है बड़ी शलवार कमीजे अच्छी नहीं लग रही। बड़ी बात अच्छी लगी, तुम्हें शलवार कमीज अच्छी लगती। शलवार कमीज अच्छी लगती वैसे भी अच्छी लगती मुझे, लोग कमेंट में बोलते हैं आप ना शलवार कमीज पहना करो, आप उसमें ज्यादा अच्छी लगती। बड़ी बड़ी लगती है, खुली खुली लग रही शलवार कमीज। अरे मैंने कुर्ता पहना यार, ऐसे तो ना मैंने खुला खुला नहीं क्योंकि मैंने दुपट्टा फैला किया। अब हम लोग जा रहे हैं श्रीलंकन भाइयों के पास। श्रीलंकन भाई के पास बहन तो नहीं जा रही, बहन भी जा रही, भाई जा रहे हैं। तो अब उनके पास जा रहे हैं, तुम्हारा आके सीट पर किसने नहीं लगाई क्रा कमल। अदीप साहब ने एक और एप्पल स्टार्ट कर दिया इतनी मिनट में। एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं दो कारों में आई नहीं खा रहा, मैं पास रहूंगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे डकी भाई के घर, लेकिन डकी भाई की वाइफ मिल गई है और हमारे भाई साहब मिल गए हैं। मुझे लगता है उनको काफी शॉपिंग करने हैं। अभी निकल गए हैं ट्रिप के लिए दोबारा, वो अपनी शॉपिंग करने गए हैं। मेरे को मंगवाया है खाना शाना, हमने खाने लगी हूँ खाना और शाना खुद ये ड्रिंक ये भी है। मैं पी रही हूँ। तो गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, ये भी देखे कैसे सुकून फरमा रहे हैं। ओह माय गॉड लुक हूज हियर, आपको ऐसे लगा के कैसी लग रही है, साथ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए ऊपर तैयारियां फुल ऑन चल रही है। भागम दौड़ भागम दौड़ है, पहले नीचे पहुंच गए। मुल्तान का मैच देखने गए थे ना, रात की शर्ट से याद आ गई थी और सोनी बताओ जा रहे श्रीलंका मैच देखने की शर्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान की, दोनों शर्टें ओह माय गॉड छुपा दे सरप्राइज देंगे। ओह माय गॉड मजा आने वाला है, रुक कह रही थी धुलने के लिए दी हुई है, पता ही नहीं है बड़ी इंडिकेशन खुली हुई है। हमसे पूछा क्या दिया था धुलने के लिए, ग्रीन कलर। जिसको मैच का होता है ना बस वो चाहता है हर चीज ग्रीन 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 हो, तो लेट्स वेट। तक साथ नहीं आता मैंने और अरीब ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ खड़े होकर बैडमिंटन खेलेंगे। हां जी तो मैं रहूंगी। हां मुझे हराई ना दे, मैं बैडमिंटन में प्रो हूं। अच्छा देखा, चलो वन वन हो गया। निकलने लगा है आपकी शर्ट है पाकिस्तान की, अंदर ना करो यार। ये तो मेरे पास ऐसी दस पड़ी है, ये वो मैं वो उनके लिए लेके आया, मुझे पता है मेरी है, मैं उनके लिए लेके आया था ना पैर में दाद वालों के लिए यार। मुझे लगा वो कह रही है धुलने के लिए दी हुई है, मैंने कहा सही तो हमारी गाड़ी में बड़ी धुलने के लिए दस है मेरे पास। हाँ दस की दस है क्या करेंगे, रोज बदलेंगे हमारा प्रैंक हमारे ऊपर प्रैंक हो गया। ओके बॉयज बैठ चुके हैं, गर्ल्स फिक्स हो रही है, सफर की दुआ पढ़ लें। ओह माय गॉड साथ के हाथ गाड़ी आके, मतलब अब हम जाएंगे यानी कि डेट्स के स्पीड के साथ साथ नई नई गाड़ियां। हम लग रहे ना बस शरीफों की तरह पहुंच रहे हैं अभी एयरपोर्ट और फिर दिखाते हैं लेट्स गो। इस करो अपने हस्बैंड को। ओह माय गॉड शी इज नॉट, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि तैयारियां कर लेना, उसके साथ जाती ना मजा आता। ओह वैसे बड़ा नील सिंह उसके साथ जाती है चिल्ला के, बाकी तैयारी दो दिन में करनी है, वो दस दिन के लिए जाती है। ओह हाँ बाकी क्या आठ दिन क्या करूंगी ये सोच के रखना। सो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी फिलहाल निकलना है, छोड़ने जा रहे हैं। अरे अल्लाह हम यहाँ से लेट्स गो होते हैं, इधर उधर जाके साथ को सी ऑफ करते हैं। अच्छा सा मैच जीत के आना है, कौन सा खेल जीता के आना है, जीता के आना, मतलब आपने इतने नारे लगाने हैं श्रीलंकन पागल हो जाएंगे, ये कौन है। वैसे हमेशा आप यही करते हैं, पन्नी डाल देते हैं स्टेडियम में जाकर। बारिश ना हो हमें दुख पड़ा हुआ, इतने पैसे लाती है बारिश होगी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बारिश होती रहती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सी ऑफ करने के लिए, डकी भाई को बाय बाय ले जाए उसको साथ, वो देखे उसकी आंखों में, उसकी आंखों में इंतजार भी अभी से शुरू हो गया, पता आपको अभी आप गए भी नहीं है। पता लगे नहीं आप ही जाने की तैयारियां कर रहे थे, कोई निकाह तक अपना बंदोबस्त कर ले। अब हम तो करते अपना ख्याल रखिएगा, वहाँ पे बेगम के बगैर जा रहे हैं, पहली बार बेगम के बगैर आपको ख्याल रखना, अपने पास जाने का दिल लगा रहे। निकाह की तैयारियां करने वाली है आपको, रूम भी जगह सुला दिया करना।
हम लोगों ने जो है वो साथ को छोड़ दिया था एयरपोर्ट से, अब हम हो रहे हैं रवाना वापस और ये बच्ची रह गई है अकेले। उदास नहीं होना बिल्कुल, वी आर विद यू, रोना नहीं है बिल्कुल भी। आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ वाइफ, परेशान नहीं होना। जब बंदा ऐसा बोलता ना कि परेशानी ना रोना, नहीं तो बंदा को ज्यादा रोना होता। आपका था? आपका क्या? ऐसे फिर नहीं बोलते। हाँ नहीं, अभी मैंने था इसको एनर्जी दी है। कुछ खाना है? कल निकलते हैं यहाँ से, क्या आंखों में फ्लैश लाइट पड़ी है। आप साथ में से कहते ना हेलो जी, नहीं हेलो जी। अभी हम पहुंच चुके हैं रूप की तरफ, उसको यहाँ पे जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया और दरवाजा खुला लो, पता लगा बाहर ही जाना पड़ेगा। मैं खुद पकड़ा था इसको, लेटा हुआ सो गया। क्या मतलब बोला भी था, सो गया जिसने दरवाजा खोला। चलो जी दरवाजा खुल गया फाइनली गाइस, बाय बाय। तुम अपना खासा ध्यान रखो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं किसी चीज की जरूरत हो जस्ट वन मिनट अवे। वैसे हमारी लोकेशन आजू बाजू है। अरुण को हम लोगों ने छोड़ दिया था घर और मैं भी अब आ चुकी हूँ घर, और रास्ते में मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया था, बंद हो गया था गाड़ी में, नो चार्जर था, तो अब जो है वो मैं करने लगी हूँ रेस्ट। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।